तो एबीटॉक के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एपिसोड में मैं आपको हमेशा की तरह ही आईएसएल और इंडियन फुटबॉल से जुड़े कुछ नया और इम्पोर्टेंट अपडेट बताने वाला हूँ। तो आज पहला अपडेट आ रहा है ईस्ट बंगाल की तरफ से। तो भाई मैंने बहुत देर तक वेट किया कि आज ईस्ट बंगाल का अनाउंसमेंट होने वाला है, आईएसएल में उनका एंट्री कन्फर्म होने वाला है, लेकिन भाई अभी तक तो नहीं हुआ है। मुझे लग रहा है कि आपको और कुछ दिन वेट करना पड़ सकता है, या कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, भाई कुछ भी पता नहीं है। डॉक्यूमेंट्स का मामला है, बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक ठाक करना पड़ेगा एफएसडीएल को, उसके बाद ही अनाउंस कर पाएगा। तो मुझे लग रहा है कि और थोड़ा बहुत डिले हो सकता है। हमारे सोर्सेज ने हमें बताया था कि आज के अंदर होने वाला है, लेकिन भाई कभी कभी सोर्स भी गलत हो जाता है, आप माफ़ कर दीजिए। आपको और थोड़ा वेट करना पड़ सकता है ईस्ट बंगाल के आईएसएल एंट्री ऑफिशियल होने तक। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आ रहा है ईस्ट बंगाल के हेड कोच को लेकर। तो भाई ईस्ट बंगाल के हेड कोच के लिस्ट में एक बहुत ही बड़ा नाम सुनाई दे रहा है, जो नाम है भाई रॉबी फुलर। इससे पहले भाई इन्होंने लिवरपूल की तरफ से बहुत दिन खेला था, आपको ऑलरेडी पता है, इंग्लैंड से बिलोंग करता है, उम्र है 45 साल, एज ए स्ट्राइकर खेलता है। मैन सिटी की तरफ से भी इन्होंने खेला है, और लास्ट टाइम इन्होंने मैनेज किया था ब्रिस्बेन रोर को, जो कि ए लीग का क्लब है, और उसके बाद शायद रॉबी बन सकता है ईस्ट बंगाल का नया हेड कोच। हमें सुनाई दे रहा है, हमारा सोर्स बता रहा है कि ईस्ट बंगाल ने ऑलरेडी अपना कोच अपॉइंट कर लिया है, लेकिन वो अभी तक उतने अच्छी तरीके से सामने नहीं आया है। जब ईस्ट बंगाल का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा आईएसएल में एंट्री, तब हमें धीरे धीरे सारे खिलाड़ी और हेड कोच के बारे में पता चलेगा। सबसे पहले शायद हेड कोच का ही अपडेट आने वाला है ऑफिशियली, कि किन को उन्होंने अपॉइंट किया है एज ए हेड कोच। तो उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लेकिन भाई रॉबी एकदम कन्फर्म है ये मैं नहीं कहूँगा आपको, क्योंकि भाई उतना सोर्स स्ट्रांग नहीं है इसके बारे में, कुछ भी हो सकता है। उसके लिए आपको और थोड़ा वेट करना पड़ेगा भाई, जैसा कि सब कुछ डिले हो रहा है तो यहाँ पर भी आपको डिले देखने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट ईस्ट बंगाल की तरफ से एक और अपडेट आ रहा है, एक विदेशी खिलाड़ी को लेकर रिमर्स निकल के आया है, जिनका नाम है भाई जिसको हर्नांडेज, जिनके पास ऑलरेडी आईएसएल का एक्सपीरियंस है। सबसे पहले इन्होंने बेंगलुरु एफसी की तरफ से खेला था, और उस सीजन में बेंगलुरु एफसी चैंपियन भी बना था। उसके बाद लास्ट सीजन खेल रहा था ओडिशा एफसी की तरफ से, ओडिशा एफसी के साथ खेलते हुए अरिदने संतरे के साथ इनका बहुत ही अच्छा जोड़ी था, टोटल 5 गोल अपने नाम किया था जिसको हर्नांडेज लास्ट सीजन। तो इस परफॉर्मेंस को देखते हुए मुझे लग रहा है कि ईस्ट बंगाल उनको अप्रोच कर रहा है, और शायद ये डील पक्का हो सकता है। और किसी क्लब का तो नाम सामने नहीं आया है जिसको हर्नांडेज के पीछे जा रहा है, सिर्फ ईस्ट बंगाल का नाम अभी सुनाई दे रहा है। और ईस्ट बंगाल मुझे लग रहा है कि जिसको हर्नांडेज को अप्रोच कर लेगा उतना ज़्यादा उनको दिक्कत नहीं होगा, और एक बहुत ही उमदा साइनिंग होने वाला है ईस्ट बंगाल के लिए, क्योंकि जिसको हर्नांडेज बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है, आपको ऑलरेडी पता है, स्पेन से बिलोंग करता है, उम्र 31 साल 31 ईयर्स, और इनका मेन पोजीशन भाई अटैकिंग मिडफील्ड, इसके अलावा विंग पर भी एक खेल लेता है। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आ रहा है नॉर्थ यूनाइटेड एफसी की तरफ से। मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था कि नॉर्थ यूनाइटेड एफसी खासा कमरा को साइन करने वाला है, रिमर्स बहुत पहले हमारे पास आ चुका था, और भाई अब ऑफिशियली नॉर्थ यूनाइटेड एफसी ने उनको कल ही अनाउंस कर दिया है। तो खासा कमरा बन चुका है नॉर्थ यूनाइटेड एफसी का इस बार नया पहला साइनिंग विदेशी कोटा की अगर बात किया जाए। इससे पहले इन्होंने गलेगो को रिटर्न किया था, लेकिन नया साइनिंग की अगर बात किया जाए विदेशी खिलाड़ी में से, तो खासा कमरा पहला खिलाड़ी है। तो इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बहुत पहले बता दिया था कि खासा कमरा नॉर्थ यूनाइटेड एफसी में साइन होने वाला है, ऑलरेडी सब कुछ कंफर्म हो चुका है। और आपको अगर पता नहीं है तो शायद आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा और ऑल नोटिफिकेशन प्रेस नहीं किया होगा, इसलिए आपको पता नहीं है। तो आपको अगर एडवांस में अगर पता लगाना है, एडवांस में अगर जानना है, तो आपको भाई चैनल सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ही पड़ेगा। तो आपने अभी तक नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए, तभी आप लोग अपडेटेड रहेंगे, नहीं तो भाई पिछड़ जाएंगे। तो भाई खासा कमरा के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल्स दे दिया था, लेकिन एक और बार कवर कर लेता हूँ। तो भाई खासा कमरा मोटेनिया से बिलोंग करता है, इनका उम्र है 27 साल, डिफेंसिव मिडफील्डर इनका मेन पोजीशन है। मुझे लग रहा है कि लॉडो के जगह में इनको शामिल किया गया है, क्योंकि इस बार लॉडो नहीं रिटर्न कर रहा है। और इनका लास्ट क्लब था जाथे एफसी, जो कि ग्रीस का क्लब है, और उसके बाद वो पूरी तरीके से अब नॉर्थ यूनाइटेड एफसी में शिफ्ट हो चुका है। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है AIFF के अवार्ड को लेकर। तो भाई AIFF के अवार्ड लिस्ट हमने आ चुका है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा खिलाड़ी ने कौन सा अवार्ड जीता है। तो AIFF इमर्जिंग वुमेन्स प्लेयर ऑफ द सीजन चूज किया गया है रतन बाला देवी को। उसके बाद AIFF इमर्जिंग मेन्स प्लेयर ऑफ द सीजन चूज किया गया भाई अनिरुद्ध थापा को। नेक्स्ट इसके बाद AIFF वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर चूज किया गया है संजू यादव को, और AIFF मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर चूज किया गया है गुरप्रीत सिंह संधु को। तो इन सभी को मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन उनके इस अचीवमेंट के लिए। आप लोगों का क्या राय है इस अवार्ड सीजन के बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मुझे लग रहा है कि हाँ, यहाँ पर एकदम परफेक्ट चॉइस किया गया है लास्ट सीजन की अगर परफॉर्मेंस देखा जाए सभी का। नेक्स्ट इसके बाद केरला वेस्टर्न एफसी की तरफ से एक विदेशी खिलाड़ी को लेकर रिमर्स निकल के आया है, जिनका नाम है भाई डेविड
मटेओस। इससे पहले इन्होंने रियल मैड्रिड की तरफ से खेला है। तो भाई स्पेन से बिलोंग करता है, उम्र है 33 साल। इनका मेन पोजीशन है डिफेंसिव मिडफील्ड, शायद मैं सियोर नहीं हूँ भाई, अभी याद नहीं आ रहा है, मैंने देखा था प्रोफाइल, तो डिफेंसिव मिडफील्ड आप लोग पकड़ लीजिए। तो इन्होंने रियल मैड्रिड बी की तरफ से खेला है, 128 अपीयरेंस है रियल मैड्रिड बी की तरफ से, और मेन टीम में भी शायद 3 साल शामिल था, मुझे लग रहा है कि मौका नहीं मिला था इनको। और इसके अलावा एई के एथेंस जो कि ग्रीस का क्लब है, यहाँ पर भी उन्होंने खेला है। उसके बाद फ्लोरिडा के ऑरलैंडो सिटी की तरफ से इन्होंने खेला है। रियल मुर्सिया जो कि सेकंड डिवीजन बी का क्लब है, वहाँ पर भी इन्होंने खेला है। और इसके बाद इन्होंने हाल फिलहाल में ज़्यादातर इसराइल में खेला है, इसराइल के फर्स्ट डिवीजन क्लब होपेल हर्डेरा एफसी की तरफ से खेला है, और लास्ट टाइम सेकंड डिवीजन था इसराइल का क्लब होपेल उम आल फाइम एफसी की तरफ से इन्होंने खेला था। और उसके बाद अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो केरला ब्लास्टर एफसी में शिफ्ट हो सकता है। बहुत ही तगड़ा खिलाड़ी है, अगर मार्केट वैल्यू की बात किया जाए तो 1.66 करोड़ इनका मार्केट वैल्यू है इंडियन मार्केट में। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आ रहा है आई लीग के लाइव टेलीकास्ट को लेकर। तो भाई आई लीग का जो सेकंड डिवीजन के फाइनल राउंड होने वाला है, यानी कि आई लीग क्वालिफायर, मैंने आपको शेड्यूल बता दिया था, तो उसका लाइव टेलीकास्ट भाई होगा इस बार, कन्फर्म है, वन स्पोर्ट्स की तरफ से ही किया जाएगा। और नेक्स्ट जो आई लीग का सीजन भी होने वाला है 2020-21 का आई लीग सीजन, वो भी भाई वन स्पोर्ट्स पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। तो सेकंड डिवीजन में जो क्वालिफाई राउंड होने वाला है आई लीग में प्रमोट होने के लिए, उसका भी लाइव टेलीकास्ट आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा चीज़ है। साथ साथ आई लीग का भी इस बार लाइव टेलीकास्ट वन स्पोर्ट्स में ही होगा। तो भाई हम सभी फुटबॉल फैनों के लिए एक बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ है और राहत की सांस है कि फाइनली हमें अक्टूबर से ही इंडियन फुटबॉल में हलचल देखने को मिलेगा, लाइव फुटबॉल देखने को मिलेगा। बहुत दिन बंद था भाई इंडियन फुटबॉल, और अब जाकर फाइनली हमें तो लाइव टेलीकास्ट देखने को मिलेगा भाई, चाहे वो सेकंड डिवीज़न हो या फर्स्ट डिवीज़न हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, फुटबॉल भाई फुटबॉल होता है। और इस बात का पुष्टि भाई आई लीग के सीईओ सुनंदा धार ने किया है कि वन स्पोर्ट्स ही इन्हीं दो टूर्नामेंट को लाइव टेलीकास्ट करने वाला है, और सोशल मीडिया पर भी शायद इसका लाइव टेलीकास्ट हो सकता है। इसके बारे में मुझे अगर कुछ भी पता चलता है तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूंगा कि कौन से जगह पर होगा, नाम मैं आपको बता दूंगा अगर मुझे पता चलता है तो। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आ रहा है हैदराबाद एफसी की तरफ से। तो भाई हैदराबाद एफसी ने ऑफिशियली अपना असिस्टेंट कोच अपॉइंट कर लिया है, जो कि भाई थैंगबॉय सिंह, तो इससे पहले वो काम कर रहा था ओडिशा एफसी की तरफ से, ओडिशा एफसी का असिस्टेंट कोच था, अब वो बन चुका है हैदराबाद एफसी का असिस्टेंट कोच एकदम ऑफिशियली। इनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, बहुत दिन से एज ए कोच वो काम कर रहा है। इससे पहले शायद आई लीग में उन्होंने एक हेड कोच के तौर पर काम किया था, उसके बाद आईएसएल में लगातार काम करता ही जा रहा है, और अब वो काम करेगा हैदराबाद एफसी की तरफ से। नेक्स्ट इसके बाद अपडेट आ रहा है ओडिशा एफसी की तरफ से। खबर आज सामने निकल के आया है, मुझे लग रहा है कि मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया था इस अपडेट को, मुझे ऑलरेडी पता था, तो एक और बार मैं आपको बता देता हूं कि भाई नंद कुमार और विनीत रॉय का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन हो चुका है ओडिशा एफसी में। 2023 तक ये दोनों खिलाड़ी जुड़ा रहेगा ओडिशा एफसी के साथ, लॉन्ग टर्म यहाँ पर डील देखने को मिल रहा है। साथ साथ ओडिशा एफसी ने फनाई और राणा घरमे को रिलीज कर दिया है। फनाई तो शायद जा रहा है चेन्नई एफसी में, और दूसरी तरफ राणा घरमी को बेंगलुरु यूनाइटेड साइन करने वाला है, जो सेकंड डिवीजन क्वालिफाई राउंड होने वाला है आई लीग का, उसके लिए शायद यहां पर आपको शॉर्ट टर्म डील देखने को मिलेगा राणा घरमी के साथ बेंगलुरु यूनाइटेड का। तो भाई ये रहा ओडिशा एफसी की तरफ से अपडेट। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट अपडेट आ रहा है एफसी गोवा की तरफ से। तो एफसी गोवा ने आज भाई एक बहुत इंटरेस्टिंग सा पोस्ट डाला है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। उन्होंने कहा है कि डॉन इज़ कमिंग। भाई डॉन कौन है मुझे भी पता नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बोल रहे थे, तो कल हमें पता लग जाएगा। लगभग सुबह 10 बजे तक टाइम दिया गया है कि एफसी गोवा का डॉन आ रहा है, तो चलिए देखते हैं कि डॉन कौन है। यहाँ पर कुछ फुसकी तो नहीं मार रहा है एफसी गोवा, चलिए मुझे तो लग रहा है कि कुछ बड़ा ही होने वाला है। हिंट भी अभी तक मैं आपको नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मुझे भी ऑलरेडी अच्छी तरीके से पता नहीं है, चलिए देखते कि क्या होता है आगे चलकर। तो बस आज इतना ही अपडेट था, लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कल भाई हमारा एक नया वीडियो आ रहा है, बेंगलुरु एफसी का स्पेशल वीडियो है। बेंगलुरु एफसी का फुल प्लेयर लिस्ट आपको पता लगने वाला है, अभी तक जितना भी साइनिंग कंप्लीट हुआ है बेंगलुरु एफसी में, उन सभी का मैं आपको लिस्ट देने वाला हूँ। तो वीडियो लगभग सुबह 7:30 बजे से ही आपको मिल जाएगा चैनल पर, अगर जरूर चेकआउट करना भाई। आज ऑलरेडी एक वीडियो आपको दे चुका हूँ जहाँ पर मैंने आपको सभी हेड कोचों के बारे में डिटेल्स दे दिया है, स्टैट्स बता दिया है आपको, अगर पता नहीं है तो भाई जाकर चेकआउट कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चले। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ।